त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज जिला प्रशासन के सहयोग व जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा रूफटॉप सौर ऊर्जा कनेक्शन जागरूकता कार्यक्रम में विद्युत के हाई कंजेक्शन के उपभोक्ताओं की बैठक ली। सिहाग ने बताया कि राज्य सरकार के नियमानुसार अपने विद्युत कनेक्शन के स्वीकृत भार 1 किलोवाट से ज्यादा व 500 किलोवाट तक के बराबर रूफटॉप सौर ऊर्जा के पैनल लगवा सकते हैं। उक्त रूफटॉप सौर ऊर्जा से उपलब्ध विद्युत को अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग में ले सकते हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत उपलब्ध नहीं होने पर आप विद्युत मीटर द्वारा ग्रिड से विद्युत आपूर्ति काम में ले सकते हैं। इस मौके पर विभाग के अधीक्षण अभियंता MM सिंह भी, XEN अनिल पुनिया, AEN महेश पांड्या आदि उपस्थित रहे। करना चाहूंगा कि हमारे जिले में लगभग 350 उपभोक्ताओं ने 4 मेगावाट तक के प्लांट लगा के सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से स्वयं को लाभान्वित किया है। इसमें जो खर्चा है वो लगभग 1 किलोवाट पे 50,000 तक का आता है और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 4 से 5 साल के अंदर रिकवर हो जाती है और उसके पश्चात अगले 20 साल तक ये आपको मुनाफा कमा के देता है। तो आप भी अपने घर में सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सोलर प्लांट लगाने की कार्रवाई प्रारंभ करें और इसके बारे में आप कोई भी जानकारी लेना चाहें तो बिजली विभाग एवं जिला प्रशासन आपकी पूरी मदद करने के लिए तत्पर रहे। नहीं है क्योंकि ये मॉडल इतना ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि ज़िले में ही 4 मेगावाट का प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा है जिन लोगों ने अपनी छतों पर सोलर रूफटॉप लगाए हैं। तो इसलिए क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 4 से 5 साल में रिकवर हो जाती है, इसलिए बिना सब्सिडी भी यदि इसको लगाया जाता है तो ये फायदे ही फायदे का सौदा है। जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने आज राजस्थान में नई राजनीतिक नियुक्तियों पर मिठाई खिलाकर व आतिशबाजी कर खुशी जताई। राजनीतिक नियुक्तियों में चूरू जिले से सादुलपुर विधायक पद्मश्री कृष्णा पुनिया को अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती को राज्य महिला आयोग अध्यक्ष व सरदारशहर विधायक पंडित भवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल में अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेसजनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता राधेश्याम चूटिया, कांग्रेस नेता जमील चौहान, हेमंत सिहाग आदि उपस्थित थे। चूरू के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत खुशी का दिन है क्योंकि माननीय जननायक अशोक जी गहलोत साहब ने जो चूरू पे ये कृपा करके 3 जो पद दिए हैं जिसमें सर्वोच्च पद राज्य महिला आयोग का जो हमारे रियाना जी को दिया है वो बहुत बड़ा पद है और उससे बहुत ही मतलब क्या है कि पूरे प्रदेश की नहीं, चूरू की नहीं, पूरे देश के अंदर भी इनका नाम भी होगा और सेवाएं भी मिलेंगी। और दूसरा जो अनिल जी को जो बनाया है वो भी एक नया है चूरू के लिए, और कृष्णा जी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में पूर्व में भी बहुत अच्छा कार्य किया है और वो करना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी माननीय गहलोत साहब को, डोटासरा जी को, पायलट साहब को, सभी पूरी कांग्रेस कमेटी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि ये चूरू के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। क्योंकि पूर्व में कुछ कारणवश रहे हों, कुछ व्यवस्थाएं रही हों, चूरू का नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए था, मतलब सहयोग समर्थन। लेकिन अभी माननीय गहलोत साहब ने ये जो 3 पोस्ट हमें देके अनुग्रहित किया है ये बहुत ही शानदार कार्य किया है। मैं पूरे कांग्रेसजन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिले के कांग्रेसजनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है के सम्माननीय मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक जी गहलोत ने हमारे चूरू जिले को बोर्ड और निगम की नियुक्तियों में 3-3 लोगों को अवसर दिया है। हमारे चूरू की महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेहाना रियाज, सादुलपुर की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती कृष्णा पूनिया और सरदार शहर के हमारे सबसे सीनियर भावलाल जी शर्मा के सुपुत्र श्री अनिल शर्मा, इन तीनों को राजनीतिक महत्व देते हुए राजनीतिक नियुक्तियों में स्थान दिया है और उसी के एवज में हम सभी कांग्रेसजन आज खुशी का इजहार कर रहे हैं पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर। और हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जनता से जुड़े हुए लोगों का को अवसर देकर चूरू जिले के कांग्रेस पर बहुत बहुत मेहरबानी की है।
विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करवाने पर आज रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि का संपूर्ण विप्र समाज ने आभार जताया। जैसे ही राजस्थान सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया, संपूर्ण विप्र समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी ने विधायक महर्षि के भागीरथी प्रयासों की प्रशंसा करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। उल्लेखनीय है कि विधायक अभिनेश महर्षि ने पिछले वर्ष के बजट सत्र में ब्राह्मण समाज की बहुप्रतीक्षित मांग विप्र कल्याण बोर्ड के गठन के लिए विधानसभा में आवाज उठाकर मांग की थी, जिसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप विप्र कल्याण बोर्ड का गठन होना सभी के लिए गौरव का विषय है। राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास जमीन आवंटन मुद्दे को लेकर आज राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास संघर्ष समिति द्वारा चूरू नगर परिषद का घेराव किया गया। इस दौरान समिति द्वारा चेयरमैन व नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जमीन आवंटन के मुद्दे को लेकर 3 फरवरी 2022 से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। नारेबाजी के बाद आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आगे बढ़कर जब नगर परिषद में प्रवेश करने लगे तो पुलिस ने रोक लिया, जिस पर लोगों ने दरवाजे के सामने बैठकर अपनी वाजिब मांग के समर्थन में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास जमीन के आवंटन के मुद्दे को लेकर के हमारा धरना 3 फरवरी से नगर परिषद के आगे अनिश्चितकाल से चल रहा है। हमारी मांग है कि राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के लिए 2.50 करोड़ बजट आवंटित है और नगर परिषद है वो उसे ज़मीन आवंटित करनी है। 1500 वर्ग मीटर जमीन तक नगर परिषद के पास अधिकार है, वो ज़मीन आवंटित कर सकती है, लेकिन इस मुद्दे को उलझाने की नीयत से नगर परिषद पायल सैनी जी ने और नगर परिषद प्रशासन ने इसे DLB में भेज दिया है, जो कि सर्वथा अनुचित है। 1500 वर्ग मीटर तक की जमीन आवंटित कर सकती है और एक बालक छात्रावास का बजट आया हुआ है, तो क्यों ना इन्होंने जल्द से जल्द यही अपने स्तर पर जमीन आवंटन करके और पट्टा जारी कर देना चाहिए था, जो कि बजट है वो काम आता है और अल्पसंख्यक छात्राओं को एक भव्य छात्रावास मिलता है और उसके अंदर वो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते। नगर परिषद की बोर्ड की बैठक के अंदर सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया कि अल्पसंख्यक छात्रावास को जमीन दी जाए, लेकिन पायल सैनी और ये कुछ नेता हैं जो राजनीति करते हैं, उन्होंने इस बजट को लैप्स करने के लिए इसे जानबूझ करके इसे DLB में भेजा है, जो कि गलत है। उसी के विरोध में हमारा आज का ये नगर परिषद घेराव का कार्यक्रम था। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को विद्यालयवार कार्ययोजना के साथ काम करते हुए जिले के विद्यालयों की संसाधनगत स्थिति और शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिए। जिला कलेक्टर आज कलेक्टर सभागार में आयोजित जिला निष्पादक समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जिले की राज्य में 3rd रैंकिंग पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि उन इंडिकेटर्स पर काम किया जाना चाहिए जिनमें हम पीछे हैं, ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूलों से जोड़े और शेष बिंदुओं पर भी निरंतर काम करें। बैठक में जिले की पोषाहार व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को पर्याप्त एवं समुचित गुणवत्ता युक्त पोषाहार मुहैया होना चाहिए। इस अवसर पर CEO रामनिवास जाट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि, DEO माध्यमिक निसार अहमद खान सहित अधिकारीगण मौजूद थे। रतनगढ़ के सरदारशहर बाईपास रोड स्थित संतोष दास बगीची में आज बाबा रघुवीर दास की 56वीं पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय नानीबाई का मायरा की कथा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कथावाचिका कोमल पारिख ने मायरा के मर्म को समझाते हुए कहा कि भगवान की भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं तो भगवान भी भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस अवसर पर समाज सेवी वेद प्रकाश पंवार, माणक चंद पंवार, हरि प्रसाद पंवार आदि उपस्थित थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 77वीं जयंती पर चूरू में आज पूर्व सभापति गोविंद महेंसरिया की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए महेंसरिया ने कहा कि स्वर्गीय पायलट किसानों व आमजन के हितैषी थे। उनके सुपुत्र पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी उनकी तरह किसानों व आमजन के लोकप्रिय नेता है। इस दौरान अमर सिंह धनेवा, आसाराम बसेर, कालूराम महर्षि आदि उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री किसानों के मसीहा आदरणीय राजेश जी पायलट साहब की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई है। जिस प्रकार उन्होंने देश के लिए, किसानों के लिए, पार्टी के लिए काम किया था, हमें गर्व है उन पे। और आज
इस बात पर भी हमें गर्व है कि उनके सपुत्र आदरणीय सचिन जी पायलट साहब ने भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए किसानों की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया, गरीब की आवाज़ को बुलंद किया, पार्टी की नींव मजबूत की। पिछली बार 2013 में पार्टी की 21 सीटें आई थी तो सचिन जी पायलट के अथक प्रयास से 2018 के आम चुनाव में पार्टी को 500% इजाफा दिलाकर 2100 सीटें दिलाने का श्रेय सचिन जी पायलट साहब को है। तो हमें आज गर्व है कि हमारे नेता सचिन जी पायलट साहब के आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री राजेश जी पायलट साहब की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी जो उदासीवाद है पार्टीजनों पे बना रहे, यही हम सदा सुमन के साथ अर्पित करते हैं। सिद्धमुख में आज विभिन्न मांगों को लेकर सर्व समाज के युवाओं के द्वारा युवा जन आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं युवाओं ने सिद्धमुख में सरकारी कॉलेज खोलने, जल्द से जल्द युवाओं के लिए आर्मी भर्ती लाने, पंचायत समिति बनाए जाने, नहर से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन भी दिया। इस मौके पर सामाजिक एकता मंच के संदीप सिंह चैनपुरा बड़ा, अर्जुन सिंह मलवास, योगेंद्र सिंह चाहरवाला आदि मौजूद थे। आज की रैली के प्रमुख मुद्दे जो हैं, सिद्धमुख तहसील बन जाने के बाद जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं से सिद्धमुख तहसील वंचित है, उनको लेकर हमारी मांग थी कि सिद्धमुख के अंदर सरकारी महाविद्यालय खोला जाए, सिद्धमुख के अंदर पंचायत समिति बनाई जाए जिससे सिद्धमुख क्षेत्र के जितने भी युवा आर्मी भर्ती वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको अलग से बैच में दौड़ने का मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र के युवा सिलेक्ट हो आर्मी के अंदर। इसके अलावा हमारी यहां मांग है कि सिद्धमुख के अंदर एडीजीएम कोर्ट सिद्धमुख के अंदर स्थापित होना चाहिए, क्योंकि सिद्धमुख से 80 किलोमीटर लोगों को राजगढ़ जाना पड़ता है मूलभूत सुविधाओं के लिए, कोई भी छोटा सा मुकदमा हो जाता है तो उसके लिए हमारा निवेदन है सरकार से कि यहां पर एडीजीएम कोर्ट एसडीएम साहब को बैठाकर यहां के लोगों की समस्या यही सुनी जाए। इसके अलावा राजगढ़ से भादरा रोड जो पिछले कुछ समय से बिल्कुल क्षतिग्रस्त स्थिति के ऊपर है, पता नहीं ये कौन सी राजनीति के अंदर भेंट में चढ़ गई है, तो यहां पर सर्व समाज के लोग आज एकत्रित हुए, हमने पूरी रैली के रूप में सरकार को चेताने का प्रयास किया, यहां पर तहसीलदार मोदी को हमने ज्ञापन भी दिया है और हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा सिद्धमुख तहसील के सर्व समाज के युवा सिद्धमुख के अंदर चक्का जाम करेंगे जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से शासन प्रशासन की होगी। मैं संदीप सिंह चैनपुरा। 19 जनवरी 2022 को चूरू के एक व्यापारी को धमकाने के मामले में पुलिस ने एक मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डी आर ने बताया कि 19 जनवरी 2022 को चूरू के एक व्यापारी को धमकाने का मामला सामने आया था, जिस पर टीम का गठन कर मुलजिमान की पहचान कर धरपकड़ के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। सभी टीमों द्वारा आसपास संभावित स्थानों का अवलोकन कर मुलजिमानों की पहचान सुनिश्चित की गई। एएसआई जोगेंद्र सिंह, कांस्टेबल रोशन लाल, धन्ना राम आदि ने मुलजिमान को दस्तियाब कर गिरफ्त में लिया। 19 जनवरी 2022 को थाना क्षेत्र कोतवाली चूरू के अंतर्गत पंखा रोड स्थित एक दुकान है जिसमें जो व्यापारी हैं उन्होंने ये शिकायत हमें दी थी कि उनकी दुकान पे कतिपय चार व्यक्ति आए जिन्होंने बंदूक की नोक पे उन्हें धमकाया और वीडियो कॉल पे जो कुख्यात गैंगस्टर है संपत नेहरा उससे बात कराई, जिसने वीडियो कॉल पे उन्हें ये धमकी दी कि कोई विवादित जमीन है जिसमें हिस्सा मांग रहा है वो, और यदि वो नहीं देंगे तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा, उनकी जान को खतरा है। इस तरह की रिपोर्ट अपने थाने पर दर्ज हुई थी, क्योंकि संगठित अपराध का मामला था, संगीन मामला था, इसलिए समस्त उच्चाधिकारी मौके पर गए थे और मामले की संगीनता को देखते हुए जिला स्तर पे एक विशेष टीम का गठन इसमें किया गया था जिससे जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी है और जो अन्य आरोपी हैं उन सबको दस्तयाब करके गिरफ्तार किया जा सके। लगातार टीम जो राजस्थान हरियाणा के सीमावर्ती कस्बे हैं, गांव हैं, यहां तक कि हरियाणा और उसके अंदर भी लगातार दबिश दे रहे थे। अपनी जो DST टीम है, साइबर टीम है, उसके अथक प्रयासों से मानव आसूचना, तकनीकी आसूचना हमने संकलित करी जिनके आधार पर सभी आरोपी नामजद कर लिए गए थे अविलंब, और कल जो DST टीम है उसको एक विशेष सफलता मिली है जिसमें दस्तयाब कर पाए हैं हम एक आरोपी को जिसका नाम तिलक है, जो रहने वाला ग्राम गागोर थाना क्षेत्र राजगढ़ का है, उसको बापरदा गिरफ्तार करके और न्यायिक अभिरक्षा में आज भिजवाया गया है।
जो प्रारंभिक पूछताछ दौरान गिरफ्तारी जो एक्यूज से की गई है उसके आधार पर महत्वपूर्ण सूचना इस घटना के बारे में संकलित करने में चुरू पुलिस को सफलता मिली है और अन्य आरोपियों की पतारसी में भी सहायता हुई। राजा एक एक दिन ये रहे हैं उन सबको अनुसंधान में शामिल किया जाएगा, यहाँ तक कि जिन्होंने पनाह दी है इनमें से किसी भी आरोपी को, ये जानते हुए कि ये अपराध में शरीक है, इन पुलिस की गिरफ्तारी से इनको बचाया है, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई। अन्य आरोपियों की पहचान ये चिन्हित किया गया, प्रकरण के सभी आरोपी नामजद हो गए, चिन्हित हो गए और जिसकी तारीख जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसके बयानों से भी हो रही है, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। हाँ बिल्कुल, उस बारे में विस्तृत पूछताछ इससे करने के लिए दोबारा भी रिमांड ली जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में इसने ये बताया कि वारदात के तुरंत बाद ये हरियाणा की तरफ फरार हुए थे और हरियाणा में इन्होंने काफी दिनों तक फरारी काटी। मैंने बताया जो ये मुलजिम गिरफ्तार हुआ है ये स्वयं भी जिला चुरू का ही रहने वाला है, इसमें से प्रथम दृष्टया टारगेट किसने चूज किया ये अभी अनुसंधान। आरोपी को अज्ञात ठिकानों से दस्तयाब करके जिला पुलिस की जो विशेष टीम है उसने गिरफ्तार किया। तारानगर पुलिस ने पिछले दिनों हुई एक चोरी की वारदात मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आज अलग अलग जगह से 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। तारानगर थानाधिकारी गोविंद राम ने बताया कि उनके नेतृत्व में एक टीम गठित कर घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, घटनास्थल से बीटीएस डाटा प्राप्त कर संदिग्ध नंबरों की पहचान कर साइबर सेल चूरू से संपर्क कर मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल महावीर सिंह, ओम प्रकाश, संदीप, हीरालाल, रमाकांत आदि शामिल रहे। तारानगर कस्बा के पास में सुअर फार्म हाउस में 10 जनवरी की मध्य रात्रि को काफ़ी संख्या में सुअरों की चोरी कर ली गई थी, जिस पर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया और टीम की सहायता से व साइबर एक्सपर्ट की मदद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और एक पिकअप वाहन जिसमें सुअर लेके गए थे उसको भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमों के अनुसंधान जारी है, बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं और अन्य इलाकों में क्या क्या चोरियां की है इसके संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। सूफी औलिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स मुबारक पर खानकाह खादरिया के सज्जादा नसीन सैयद अबरार हुसैन कादरी की अगुवाई में आज दरगाह गरीब नवाज पर चादर व अकीकत के फूल पेश किए गए। सैयद अबरार हुसैन कादरी ने देश प्रदेश में अमन और शांति, भाईचारे, खुशहाली एवं कोरोना महामारी से मानवता को निजात मिलने की दुआ की। कादरी ने कहा कि हमें इनके आदर्शों को अपना कर देश व समाज हित में रचनात्मक काम करने चाहिए। जिला मुख्यालय स्थित भर्ती अस्पताल के पास आज एक ट्रक व ऑटो की भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, हालांकि घटना में ऑटो चालक मुस्ताक के मामूली चोटें आई हैं। आज दोपहर को 4 बजे कोई ट्रक कलेक्टर की तरफ जा रहा था, टेम्पू जो भर्ती की तरफ मुड़ा, जब आपस में एक्सीडेंट हुआ है, टेम्पू चालक के मामूली चोट आई है, पर टेम्पू पूर्णतः एक्सीडेंट हो गया, मौके पर है इनको वाहन को हटा के रास्ता सुगम कर रहे हैं। सूरतपुरा गांव के घर में आज बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। जानकारी के अनुसार शिवदान चारण के घर में आग लगने से कमरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें 6,000 रुपए नकद तथा सोने चांदी के आभूषण और जरूरी कागजात जलकर राख हो गए।